मेरे प्यारे बहन भाइयों और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं डिवाक्ट XR 250 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान, इस डिमापुर जानकारी जाने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह मस्तिष्क में कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। यह सीजर दौरे को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ साथ दोस्तों इस प्रोडक्ट का प्रयोग दौरे का इलाज, बचाव और रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी मरीज को दौरे पड़ते हो उसमें व्यक्ति को क्या होता है, अचानक से खड़ा हुआ या कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है यानी कि काम करता हुआ अचानक से गिर जाता है और उसका पूरा शरीर हिलने लगता है, कंपनन होने लगती है, जिसमें मरीज का खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यह समस्या कुछ ही समय के लिए होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों किसी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी नहीं है फिर भी उसको दौरे पड़ते हैं, सीजर की प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों ये डिवैक्ट XR 250 mg टैबलेट की इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।